ओके सो यस, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो हाल ही में लीक हुई है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। मूवी की एंडिंग में सभी ब्रोकन रियलिटी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मल्टीवर्स फुली फंक्शनल हो चुकी है। मतलब की मूवी की एंडिंग से मार्वल अपनी सिनेमेटिक मल्टीवर्स की भी शुरुआत हो चुकी होगी और इस लीक के मुताबिक मूवी की एंडिंग तक एक्समैन यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स आपस में मर्ज हो चुके होंगे। अब ये कैसे होगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इस मूवी के बाद एक्समैन की मूवी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी एक पार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी मूवी की एंडिंग लीक्स, लेकिन अब बात करते हैं मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो मूवी में दो क्रेडिट सीन होने वाले हैं, जिसमें से मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज सोए हुए हैं और उनको सपना आता है, जहां वो न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं और फिर उनको डोरमामू की बहन भी दिखती है और लास्ट में कैंग भी दिखता है। और जो कुछ भी उन्होंने अपने सपने में देखा था वो सभी चीज फ्यूचर में होने वाली है। और ये सपने देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिनसे उनकी तीसरी आंख भी खुल जाती है। और जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुलती है तभी उनके कानों में एक आवाज आती जो कि हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है, और यहीं से मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं एंड क्रेडिट के बारे में। तो एंड क्रेडिट में हमें पहली बार डेडपूल दिखाया जाएगा और उसके साथ हम केबल, डोमिनो और वेनेसा को भी देखेंगे, और यह सभी इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में होंगे वहाँ, और वहाँ उनको बहुत सारी डेड बॉडीज भी दिखेगी। अब देखो, डेडपूल और बाकी सब इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में इसीलिए आए क्योंकि वांडा ने जब इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स पे हमला किया था और बाद में वांडा और चार्ल्स जेवियर के बीच एक फाइट हुआ था, तो वांडा ने चार्ल्स जेवियर को मार दिया था, जिसकी वजह से जो मल्टीवर्स के गेट इल्यूमिनाटी में एंटर होने के लिए बने थे वो खुले ही रह गए, और जिसके कारण डेडपूल भी यहाँ आ गया। और यहाँ से भी डेड बॉडीज को देख के डेडपूल एक जोक बोलता है, एंड फाइनली प्रोफेसर एक्स की बॉडी के पास जाकर हम ऑडियंस से कहता है कि प्रोफेसर एक्स अब तक 3 बार मर चुके हैं। अब अगर आपने एक्समैन मूवी को फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा कि इससे पहले भी प्रोफेसर एक्स 2 बार मर चुके हैं, तो अब ये हो सकता है कि प्रोफेसर एक्स हमें दोबारा देखने को नहीं मिले। तो ये थी कुछ लीक्स मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, जो मे भी सही हो सकती है और मे भी गलत। बाकी आपकी इस बारे में राय क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, गुड बाय।